बिजली बिल के खिलाफ मुंबई में बीजेपी का हल्ला बोल, एफआईआर पर बोले नेता, बेल नहीं होगा जेल भरो आंदोलन। हर 5 साल में जब इलेक्शन आता है तो नाइक साहब के अगेंस्ट ये गंदी राजनीति खेली जाती है, उसका कोई असर इस आने वाले निर्णय पे होएगा नहीं। लॉकडाउन की आर्थिक तंगी में ज्यादा बिजली बिल भेजने वाली महावितरण कंपनी और महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ आज मुंबई भाजपा ने एक बार फिर आक्रोश मोर्चा खोल दिया है। आज एक तरफ जहां महापौर और जिलाध्यक्ष ने वाशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर हमला बोला, वहीं मुंबई के कई ठिकानों पर पदाधिकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वाशी में युवा नेता निशांत भगत ने कार्यकर्ताओं के साथ वृद्धिगत बिजली बिल के खिलाफ हल्ला बोल किया और दर वृद्धि और मनमानी वसूली कार्रवाई को रोकने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। राज्य सरकारच्या माध्यमातून वाढीव वीज बिल दरामुळे लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जे वाढीव वीज बिल पाठवण्यात आलेले आहेत ते वाढीव वीज बिलाचे दर कमी करण्यात यावे, त्यासोबतच या दरम्यान जे काही आमच्या प्रभागातील नागरिक किंवा मुंबई शहरातले नागरिक बिल भरायला गेले असतानाही त्या ठिकाणी सदर अधिकारी संबंधित अधिकारी त्या ठिकाणी ते पूर्ण बिल भरा नाहीतर बिल घेतलं जाणार नाही आणि त्याहून पलीकडे तुमची वीज खंडित करण्यात येईल। वाशी के एनएमएसए में महापौर जयवंत सुतार और जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिजली बिल के खिलाफ मोर्चा करने वाले अपने 24 पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध किया। बता दें कि पूर्व विधायक संदीप नाइक ने इस एफआईआर पर ऐलान किया है कि अब हम बेल नहीं लेंगे, जनता के लिए जेल जाएंगे। इसे बल देते हुए जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, महापौर जयवंत सुतार और दशरथ भगत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार जनता से किया अपना वादा पूरा करने को तैयार नहीं है। वहीं अनंत सुतार ने सीधे सीएम उद्धव ठाकरे की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने जनता के दुख तकलीफ में साथ रहने का वादा किया था, लेकिन उनका वादा भी झूठा निकला। अनंत सुतार ने कहा कि बीजेपी जनता का सवाल उठा रही है तो कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हो रहा है, या गुंडागर्दी वाली सरकार नहीं तो और क्या है। हम लोग संवेदन मार्ग से वहां गए तो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर 24 कार्यकर्ताओं के ऊपर एक्शन ली गई। हमारा कार्यकर्ता ने कुछ किया ही नहीं, निश्चित तौर पे अदालत है, अदालत में वो छूट जाएंगे, लेकिन इधर 15 लाख जनता का हमें भवितव्य है और इस माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद दी है क्या भाई, आपके ऊपर केस हुआ, ये तमाम 15 लाख मुंबई जनता के लिए हुआ है और उनका शुभेच्छा देना ये हमारा फर्ज है। पूरे महाराष्ट्र की जनता को मालूम है कि ये सरकार गुंडागर्दी की सरकार है। आप देखेंगे कि जब महाराष्ट्र सरकार का जो शपथ विधि शुरू था, जब तब उद्धव ठाकरे साहब शपथ लेने के लिए स्टेज पे आए, आने के बाद उन्होंने स्टेज पे लेट कर जनता को अभिवादन किया कि मैं पूरे महाराष्ट्र जनता के साथ हूँ सुख दुख में। तो अभी जो लॉकडाउन में लोगों को जो ज़्यादा बिल आया है, ये सुख की बात है कि दुख की बात है, ये उद्धव साहब को कहना पड़ेगा क्या? अगर दुख की बात है ये ठाकरे सरकार जनता के साथ क्यों नहीं है? अगर जनता के साथ नहीं है और जनता उनके आंदोलन करके बता रही है कि बीज बिल हमें माफ़ करो, कम करो, और सरकार सुन नहीं रही है और सुन नहीं रही है, और जनता जो आंदोलन कर रही है उनको ज़बरदस्ती उनके ऊपर गुनाह दाखिल करके पुलिस हिरासत में लेके ले रही है, इस सरकार को हम गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? स्वामी साधु संत का सरकार कहेंगे? इसलिए हमने कहा कि ये सरकार गुंडागर्दी की सरकार है और ये सरकार शिवसेना स्टाइल से चलती है। जो पेंडेमिक है, ये जो कोरोना की महामारी है, इस महामारी में जो नागरिक दोस्त हो गए हैं तो उनको आप जो लाइट बिल है वो तो माफ़ करो, वो तो रद्द करो, वो पीछे तो ले लो, या उसके अंदर जो आपने जो वायदा किया है वो वायदा तो पूरा करो, यही हमारी मांग है। लाइट बिल माफ नहीं करे तो आंदोलन के ऊपर एफआईआर तो दर्ज करो। इस अवसर पर जिन बीजेपी पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनका सत्कार किया गया।
पदाधिकारियों ने कहा कि बीजेपी सदैव जनता के साथ रही है और वे जनता के मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जो जनता को खाने के लिए चिकन नेता इस वक्त में जो 2 रुपए पर यूनिट बढ़ा के जो एवरेज रेट में बिल भेजा गया है, सब जो जनता का कंप्लेंट आ चुका है। यही टाइम में हम लोग जो अपने जो संविधान के हिसाब में अपने जो जनता को मदद करने के लिए जो विद्युत शक्ति का जो ऑफिस में गया अधिकारी को निवेदन किया, हम लोग कोई भी ऐसे गलत शब्द यूज नहीं किया, मारपीट नहीं किया, कोई किसको भी ये पत्थर नहीं फेंका। ऐसे शांतियुक्त आंदोलन के ऊपर भी अपने को जो जनता प्रतिनिधि के ऊपर ये लोग FIR दाखिल किया, अभी ये तो बहुत असहनीय हो गया। आम्ही कुठल्याही प्रकारचं तिथे आंदोलन केलेलं नव्हतं, फक्त आमचे बोलणं करून त्यांना एक निवेदन दिलं आणि त्या निवेदनात आम्ही सांगितलं की करोना काळामध्ये लोकांची परिस्थिती खूप बिकट आहे, अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्यावर हा जे आपण भरणा लावलेला आहे तो भरणा कमी करावा, एकत्ररित्या जे बिल लावलेलं आहे ते कमी करून द्यावे, त्यामध्ये त्यांना सवलत देण्यात यावी, अशा प्रकारचे निवेदन आम्ही त्यांना दिलं। पोलीसही तिथे होते, पोलिसांनी सांगितलं की 4 माणसांनीच आतमध्ये जायचं, त्याप्रमाणे ऐकून आम्ही 4 माणसंच आतमध्ये गेलो होतो, बाकी 4-5 माणसं बाहेरच उभी होती। म्हणजे ज्या प्रकारचे आंदोलन होते आम्ही एकदम शांतते प्रकारे आहे आणि करोना काळामध्ये जी प्रिकॉशन घ्यायला पाहिजे ते प्रिकॉशन घेऊन आम्ही निवेदन दिलं होतं, पण त्यानंतरसुद्धा आमच्यावरती FIR दाखल करण्यात आले। हे यामागे एक राजकारण दिसून येत आहे, कारण की आम्ही त्या निकटचे प्रतिनिधी असताना त्या प्रतिनिधींवरती दबाव कसा आणायचा आणि त्यासाठी ह्या प्रकारचे घाणेरडे प्रकारचं राजकारण मी म्हणते, कारण की सभी कार्यकर्ताओं पर जिनके ऊपर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, इस सरकार द्वारा निर्लज्ज सरकार द्वारा कार्रवाई की गई, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारा सत्कार किया, हम सभी वरिष्ठों का अभिनंदन धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारा सत्कार किया इसलिए। लेकिन हमने जो कार्य किया है वो जनता के लिए किया है। प्रदेश भाजपा की तरफ से हमने जो बढ़ा हुआ बिल था लाइट का बिल, उसको कम करने के लिए और माफ़ करने के लिए हमने शांति रूप से हर जगह पर प्रदर्शन किए भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन ये जो सरकार है आप सभी जानते हैं, निर्लज्ज सरकार है और एक बेशरम सरकार है। ये लोगों को डराना, धमकाना और सिर्फ दबाव तंत्र का वापर करना ये जानते हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने का और दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन दबाव तंत्र से हम डरने वाले नहीं, हम रुकने वाले नहीं और हम झुकने वाले भी नहीं है। इन्हें जो करना है कर लो, हम जनता के लिए हम जेल भी जाने को तैयार हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने साफ किया कि बीजेपी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने सीधी बातचीत में महाविकास आघाड़ी को तानाशाही और जनता के खिलाफ काम करने वाली सरकार बताया। नवी मुंबई के 25 बीजेपी पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज किया है। FIR इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि बिजली बिल जो बढ़ाकर भेजा था महावितरण ने, उसके खिलाफ आंदोलन किया गया था। इस वक्त हमारे पास बीजेपी के नवी मुंबई के जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत साहब, हम सीधे इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये FIR क्यों दर्ज हुई और क्या स्ट्रेटजी आगे बीजेपी की। सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, FIR तो दाखिल हुई वो तो पिछले वाले आंदोलन में हुई। आज हम लोग पूरे नवी मुंबई में एक छोटे से तौर पे निषेध के आंदोलन कर रहे हैं, हर वार्ड में निषेध के आंदोलन हो रहे हैं। जनता के लिए हम लोग कटिबद्ध है और हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। और जो हमारे पीछे वाले आंदोलन में जब मेरे कार्यकर्ता 25 कार्यकर्ता के ऊपर चुन चुन के 25 कार्यकर्ता ऊपर गुनाह दाखिल हो गए हैं, वो गुनाह दाखिल जिनके ऊपर हुए उनका सत्कार भी हमने किया है, क्योंकि नागरिकों के लिए वो रास्ते पे आए थे, उनका सत्कार का आज का एक कार्यक्रम था। और दूसरी बात, मेरे XMLA संदीप जी ने आज घोषणा की है, हम जेल जाएंगे, बेल नहीं करेंगे, क्योंकि नागरिकों के लिए, जनता के लिए हम लोग कटिबद्ध है। हम जेल भी जाएंगे लेकिन हम बेल नहीं लेंगे। नागरिकों का बीज जो बिल उन्होंने बढ़ा के भेजा है वो किसी भी हालत में कम होना चाहिए। सर, आपको लगता है कि जो राज्य सरकार है महाविकास आघाड़ी की सरकार, वो जानबूझ के चुनाव से पहले बीजेपी को कमजोर करने के लिए या दबाव बनाने के लिए इस तरह के केस दर्ज करवा रही है? उस महाआघाड़ी ने कितने हमारे ऊपर कितना ही बल वापरे, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे नेते गणेश जी नाइक साहब और हमारी बेलापुर की विधानसभा की नेते मंदाताई भात्रे, आज गणेश नाइक साहब को 25 साल से आप देख रहे हो, 25 साल से नागरिकों ने उनके ऊपर प्यार किया है, इस बार भी वो प्यार बरकरार रहेगा और नाइक साहब के अंडर आधिपत्य के नीचे हमारी भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा। अगली किस तरह की स्ट्रेटजी होगी अब महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ, महावितरण के खिलाफ, क्योंकि अब जबरन वसूली की कार्रवाई शुरू हो गई, अगर बिल जो नहीं भरने वाले लोग हैं
उनके जो कनेक्शन है वो खंडित किए जाने की तैयारी है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी आगे? भारतीय जनता पार्टी नागरिकों के साथ है, जनता के साथ है। ऐसा कृत्य करने का उसने इशारा दिया है कि हम लोग बीज खंडित करने वाले हैं, उन्होंने इशारा भी दिया है, लेकिन उस इशारे को हम लोग इशारा देते हैं कि नागरिक के साथ में हम लोग रहेंगे, हम लोग डगमेंगे नहीं। हम लोगों के ऊपर कितने भी आपने गुनाह दाखिल किए तो हम जेल में जाएंगे, हम बेल नहीं लेंगे, इस तरह की स्ट्रैटेजी हमने इस पर अपनाई है। जैसा कि देखा कि अपने भारतीय जनता पार्टी ने महावितरण और राज्य सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है कि अगर बिजली कनेक्शन काटे गए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और सरकार को जवाब देंगे और महावितरण को जवाब देंगे। कैमरा प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।